फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ क्लास 4th. सो दिस इज द चैप्टर. फ्रैक्शंस का चैप्टर है जिसके अंदर क्या बता रखा है कि न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं. जो ऊपर का वर्ड होता है वो होता है न्यूमिनेटर, लाइक 3/5. इसमें न्यूमिनेटर क्या है? 3 इज न्यूमिनेटर. एंड डिनोमिनेटर, यश? डिनोमिनेटर मैम 5 है ना. अब हम न्यूमिनेटर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और बार बार करते रहते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. क्या होते हैं? 3 × 2 इज इक्वल टू 6. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 9. फिर 3 × 4 करेंगे तो 12. तो ऊपर का इस तरह से बढ़ता रहेगा, यानी कि 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, देन 12, देन 15, देन 18. सिमिलरली डिनोमिनेटर भी चेंज होता रहेगा, 5 का टेबल चलेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 15 × 4 = 25, 5 × 3 = 25. ठीक है, ये आपको करवा रखे हैं, है ना. हम इसी तरह से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं. सेम जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, 12 / 15, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है. मुझे इसको क्या करना है? छोटा करना है, ठीक है. एक होता है एक्सपेंड फॉर्म और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको छोटा करना. हम इसको छोटा करना है कैसे करेंगे? दोनों के दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे. डिवाइड बाय 3 कर देती हूँ, क्या होगा? 12 × 3 में कितने पे आएगा? 12 × 3 = 3, 4 = 12. गुड. एंड 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15. तो आंसर आएगा 4/5. ये आपकी एक्सरसाइज, मैं जो आज फ्रैक्शन के अंदर टॉपिक करवा रही हूँ मेनली, वो टॉपिक है आपका LCM का टॉपिक. विच टॉपिक इज दिस? LCM का टॉपिक करवा रही हूँ इसमें ही, कि जब हम फ्रैक्शंस के अंदर LCM लेते हैं तो वो कैसे करते हैं. आपका फर्स्ट सम है 4/15 प्लस 6/15. इसका न्यूमिनेटर जो है वो अलग है एंड डिनोमिनेटर जो है वो अलग है. सेम है डिनोमिनेटर, बिल्कुल सेम है. 15 ही यहाँ पे है. तो जब हम 15 और 15 का LCM लेंगे तो क्या आएगा? 15 ही आएगा. 5 के टेबल पे 15 को जब लेकर जाएंगे तो 3 पर जाएगा, ये भी 3 पर जाएगा, फिर ये भी 1, 1, तो 5 × 3 = 15 ही होगा. जब हम इन दोनों का LCM लेंगे तो 15 आएगा. नीचे वाले से 1 से डिवाइड करेंगे, 15 × 1 = 15. ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को जब हम डिवाइड करेंगे 15 / 15, और जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा? 1. तो 1 से ऊपर वाले 4 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. बीच में सिंबल प्लस का है तो बीच में सिंबल प्लस का ही रहेगा. अगले पॉइंट में इस 15 की इस 15 से क्या करेंगे? 15 / 15, जो आंसर आएगा 15 जो आंसर आएगा 1, उसकी हम इस ऊपर वाले यानी कि न्यूमिनेटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. यहाँ पर आंसर आया 1, तो 4 × 1 = 4 प्लस 6 × 1 = 6 डिवाइड बाय 15. 6 को 4 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10 डिवाइड बाय 15. इसको हम काट भी सकते हैं और एज इट इज आंसर भी लिख सकते हैं. ये कहने में इतना आसान था, जब टीचर्स करवाती हैं स्कूल में इतना आसान लगता है बच्चे को,
लेकिन बच्चे को लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है। टीचर्स और बच्चों के करने का तरीका बताती हूँ अब। 5/11 प्लस 3/11 ये वाला क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिया, बच्चे क्या करते हैं, 11 एज इट इज़ लिया, यहाँ 11 लिख दिया, प्लस लिया, ऊपर वाला 5 है तो 5 लिख दिया, ऊपर वाला 3 है तो 3 लिख दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 8/11 ये आंसर। आई एम राइट? यस। ऐसे ही करता है ना? Yes. ऐसे ही किए ना ये सारे सम्स? Yes. लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं, इसके करने का तरीका ये वाला होता है। ये वाला इसके करने का तरीका होता है, हम इसको ऐसे ना करके, टीचर्स ने ऐसे ना करवा के, सिंपली ऐसे करवा कर आपको छोड़ दिया, जिसके कारण जो इसका सेकंड पार्ट है वो करने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें एलसीएम लेना है, 7/8 प्लस 5/12। अब मैं ये पार्ट करवा रही हूँ सेकंड का, 8/12। अब इसका एलसीएम लेना है, टीचर्स ने एलसीएम करवाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हमें एलसीएम करवाया नहीं ना, एलसीएम स्कूल में। यस मैम। छुड़वा दिया है ना? यस मैम। अब इसको क्या करना है एलसीएम का, कैसे लेते हैं एलसीएम मैम? हम इसको करके दिखाओ, बोलना है साथ साथ क्या किया है। 2 के टेबल में 8, 2 4 8 एंड 2 6 12। अब ये दोनों एक ही टेबल पे, फिर से हम 2 से करेंगे। अब 2 2 4 आता है एंड 2 3 6। अब ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं जाते तो हम इसको अलग अलग करेंगे, 2 1 2 एंड 3 को एज इट इज लिख देंगे, 3 1 3 1 3 1-1। और अब इन सारों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 3 24 is equal to 24। आपका एलसीएम क्या आएगा? 24 24। इस एलसीएम को अब हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ, जो अभी आरव ने करके दिखाया 24 24, इस एलसीएम को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इस 24 को 8 से करेंगे क्या? डिवाइड। और 7 से करेंगे जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई। याद रखना है, नीचे वाले से डिवाइड होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 24 को 8 से जब अभी स्टार्टिंग में करवाते हैं तो इस तरह से लिखवा के देते हैं, 24 को 8 से करेंगे डिवाइड, जो आंसर आएगा 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 8 3 24। अब उस 3 से 7 की करेंगे मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन। सिमिलरली 12 को करेंगे 24 से डिवाइड, 12 डिवाइड बाय 24, और फिर जो आंसर आएगा 2, उस 2 की करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आंसर आएगा 327, यानी कि 7 3 जा 21, बीच में प्लस का सिंबल, 5 2 जा 10, और ये यहाँ पे 2 4 24, प्लस करेंगे आंसर आएगा 3 1 31 डिवाइड बाय 24। हम छोटे बच्चों को इस तरह से बताते हैं खोल खोल के करना, कि इस तरह से करते हैं। हम बड़े हैं, हमें इजी होता है करना, इसलिए हम नॉर्मली ही ये कर देते हैं, 7 8 प्लस 5 12। हम इसका एलसीएम लेके यहाँ पे 24 आ गया, हमें अपने आप पता है कि 8 के टेबल में 24 आ जाता है, तो 8 के टेबल में 24 3 पे आता है, ऊपर वाले से 3 की कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 21। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, 12 के टेबल में 24 2 पे आता है, तो हम 2 से कर देंगे इसको 10, 2 की 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 31/24 आंसर। जब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसको इस तरह से करना है, तो हम कभी भी फिर इस तरह से लिखेंगे ही नहीं, सीधा इस तरह से कर देंगे, है ना? यस मैम। अब पहले हमें इस तरह से करना आया लिखवा लिखवा के, तो हमें अब इस तरह भी करना समझ में आ गया। अब इसका ही नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर आपको इसको खोल के दिखाना है। 2 से 1/5 प्लस 4 से 2/3, मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें इसको खोल के दिखाना है। अब इसको खोलते कैसे हैं, सब बच्चे पजल हो जाते हैं, सब बच्चे
मुश्किल हो जाता है कि ये समझना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है या इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, जबकि करनी नीचे और ऊपर वालों बीच वाले से नीचे वाले की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि 5 × 2 + 1 करना है। और इस वाले के लिए क्या करना है यश हमें? इस वाले के लिए मैम 4 × 3 + 2 आंसर आएगा 5 × 2 = 10 + 1 = 11 और इसका आएगा 4 × 3 = 12 + 2 = 14 तो यहाँ पे आएगा 11/5 है ना, और इसके लिए आएगा 14/3 प्लस का साइन बीच में। बच्चे ये करने के बाद एज इट इज लिख देते हैं, नीचे न्यूमिनेटर तो लिख देते हैं लेकिन डिनोमिनेटर लिखना ही भूल जाते हैं। आरव हमेशा भूल जाता है डिनोमिनेटर लिखना, जिससे कि आपका क्वेश्चन ही नहीं बन के आता। ये अब आपका क्वेश्चन सेट होकर आया है ना शीतल? यस मैम। ये क्वेश्चन अब सेट होकर आया है ना, अब yes, इसका हम क्या करेंगे शीतल? मैम अब इसको प्लस करेंगे। न्यू प्लस कैसे करेंगे? प्लस मैम पहले एलसीएम लेंगे। वेरी गुड, पहले एलसीएम किस किस का लेंगे? 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा 5 और 3 का एलसीएम? मैम 5 और 3 का है मैम 1/15। वेरी गुड, कैसे किया 1/15? आपने तो एलसीएम भी नहीं लिया, मुंह से ही बता दिया। कैसे किया मैम? मल्टीप्लाई करके। कैसे करके? मल्टीप्लाई करके। 5 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। हम इसको ओपन करके भी देखेंगे तो 15 ही आएगा। ये 5th क्लास का बच्चा है, इसने अपने आप बता दिया कि इसका एलसीएम 15 आएगा। जब 4th में करवाएंगे तभी तो 5th में पता चलेगा ना कि इसका एलसीएम डिट्टो ऐसे आएगा बिना एलसीएम निकाले। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आ गया तो आपको लाइफ टाइम समझ में आ जाएगा। 2 और 3 है, इसका एलसीएम लेना है। मैं बिना एलसीएम लिए इसका आंसर बता सकती हूँ, कोई और बता सकता है? मैं बोलो। 6। यस, इसका एलसीएम का आंसर है 6। आप इसको करके देखो तो भी 6 आएगा। यस, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया और आपने भी ऐसे ही कर दिया ना बच्चों। yes, कैसे कर दिया? मल्टीप्लाई करके 2 × 3 = 6 तो इसका एलसीएम 6 है, है ना? Yes, जब भी दोनों अलग अलग गए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक ही टेबल पे कटे तो वो क्या होता है? इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है 1 common number, एक कॉमन नंबर हो, एक कॉमन नंबर। ये 2 के टेबल में भी आता है 6 और 3 के टेबल में भी आता है 6, तो वो कॉमन है। 15 3 के टेबल पे भी आता है, 5 के टेबल पे भी आता है, तो ये कॉमन है। अब हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड और ऊपर वाले से जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 3 पे, तो 3 से ऊपर वाले की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 11 × 3 = 33 प्लस का साइन रहेगा बीच में। यस मैम। 3 के टेबल में 15 3 × 5 = 15 और 14 की 5 से मल्टीप्लाई। 70। वेरी गुड, तो इसको हम प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 103/15। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो आंसर को ऐसे लिखो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, पीछे आंसर कई बार बुक में इस फ्रैक्शन की लेवल में दिया होता है। यस मैम। जब क्वेश्चन इस तरह से होता है तो आंसर भी इसी तरह से मांगा होता है। अब ये तो हमारे पास निकल आया, हमने इसको ऐसे खोलना तो सीख लिया, लेकिन इस खुले हुए को ऐसे बंद करना कैसे करते हैं? अब हम 15 को 103 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ऊपर 103 नीचे 15, तो हम बाहर क्या लिखेंगे अंदर क्या लिखेंगे? मैम बाहर 15 लिखेंगे अंदर 103। वेरी गुड, शीतल को पता है, आरव और यश को पता ही नहीं है, है ना? नीचे वाले जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है वो अंदर जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर आ जाता है। इस चीज में हम हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। आरव ने सम किए थे तो मैंने उसको दिया 2/3, उसने ऐसे करना ये था 3 को बाहर रख के 2 को अंदर रखना था। आरव ने किया था 2 को बाहर रख के 3 अंदर रख के 2 × 1 = 2, ये 1 रिमाइंडर रख दिया, है ना? ऐसे कर दिया था ना आरव, जबकि ऐसे नहीं करना। दिस इज द रोंग वे, आंसर इससे निकलना था, पॉइंट लेना था
टू थ्री के टेबल में टू तो आता नहीं है no, तो हम पॉइंट ले देंगे इसको, 20 बना देंगे। थ्री के टेबल में 20 तो आता है, 20 से छोटा आता है ना, क्या आता है 18, कितने पे, टू सिक्स जा थ्री सिक्स जा 18, रिमाइंडर बचेगा टू। इसको इस तरह से करना था, गेटिंग माई पॉइंट। अब हमने इसको भी इसी तरह से करना है, 15 के टेबल पे 10 तो आता नहीं है no, तो 15 के टेबल के ऊपर 103 से छोटा क्या आएगा, 15 का टेबल आता है 105 आता है, 105 बड़ा है, 105 से छोटा क्या आएगा 90। अब 3 से 0 को माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ पे बचा 10 में से 9 गए 1, 13 बच गया 13। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 पे गया ना। अब 13 बच गया, 30 तो जाता नहीं है, ठीक है 0 लगा देंगे पीछे। ओ सॉरी सॉरी, ये तो हमने फ्रैक्शंस में निकालना है ना, यहीं पे ही छोड़ देंगे हम, पॉइंट्स में निकालने लग गए। अब इसको एज इट इज लिख देंगे। अब जो डिनोमिनेटर था, जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या बनेगा बताओ मैम, थर्ड। यस, जिस जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे ऊपर आएगा, क्योंकि हमने वो प्लस करेंगे ना अगर, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये सिक्स बीच में आएगा। अब इसको हम खोलेंगे, इसको हम एक बार, ये तो हमने फ्रैक्शन किया इसका, इसको फ्रैक्शन में बांधा है ना, अब हम इस फ्रैक्शन को खोल के दिखाते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 प्लस करेंगे, ये होगा 90 प्लस 13 इज इक्वल टू 105, नीचे 15 ही रहेगा। ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का तरीका और खोलने का तरीका, जो आरएफ को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं ये, क्या होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन होता है ये, नॉर्मल ये जो जिसके अंदर एक डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमिनेटर होता है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन होता है, ये वाला नॉर्मल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। यस मैम, करना सिंपलीफाई बिल्कुल एज इट इज ही है, इस तरह क्वेश्चन बना के ही, इसका एलसीएम लेके ही करना है, लेकिन सबसे पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है। अब हम एक सम आरव से करवा के देखेंगे। 1 से ही 3 बाय 5 प्लस 2 से ही 7 बाय 10। एक ये मेरे को सब, एक यश करेगा और एक आरव करेगा, जल्दी जल्दी फटाफट से बोलो और करके दिखाओ, यहीं पे ही इसी कॉपी के अंदर कर, तू भी कर, ये ले तू पेंसिल ले ले, यहीं पे करके दिखा अपने में, तू पेंसिल कर, करो करो जल्दी। 1 से ही 3 बाय 5 किसको किससे मल्टीप्लाई करनी है मैम, 2 से 2 को, करो करो, वेरी गुड, आप अपना करो, आप अपना करो, आपके में 2 है, आप तो ऊपर ये वाला कर रहे हो ना, 2 मल्टीप्लाई 10 है, उसके वाला क्यों कर रहे हो आप, नीचे कर दो जल्दी करो, 3 आगे 21 वेरी गुड। बस मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन ही निकालना था, ये शीतल ने किया, कोई नहीं देखेगा, तुम अपना अपना काम करो। ये शीतल ने निकाल दिया है, इसकी मल्टीप्लाई करी और इसको प्लस किया, इसकी मल्टीप्लाई और इसको प्लस किया, है ना। अब देखते हैं आरव और यश का कमाल क्या करते हैं। ये इसने निकाल दिया है 27, वेरी गुड, 27 डिवाइड बाय 10 ही आएगा इसका आंसर, 27 डिवाइड बाय 10। अब आरव को नहीं आया अभी तक भी, क्योंकि आरव का ध्यान ही नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। देखो 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपने किया ना 3 इंटू 5,
मल्टीप्लाई 15 ये गलत है, 1 सही 3 बाय 5 है, 1 सही 3 बाय 5 मल्टीप्लाई इन दोनों की होती है, 5 इंटू 1 और प्लस होगा 3, 5 बन जा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाय 5 ये आंसर आएगा। अगला ओपन करके दिखाएंगे, 3 सही 3 बाय 4, 3 सही 3 बाय 4 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा 3 इंटू 4 की मल्टीप्लाई और 3 प्लस होगा, क्या आएगा 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 15, ओके। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ मिक्सड फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, सबके सब जिनको भी डाउट्स हैं, यही प्लस में भी यही चीज़ होती है, यही माइनस में भी ये चीज़ है, जिसको एलसीएम लेना आ गया, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना आ गया, आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। यू कैन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।